स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ वन प्लस नोट फ़ोन की रिव्यू लेकर के आई हूँ, तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैं अमेज़ॉन से मंगाई थी और बहुत अच्छी पैकेजिंग में ये हमें मिली है। ये कुछ पेपर्स वगैरह हैं साथ में, और ये फ़ोन है जो बहुत ही सुंदर से प्लास्टिक कवर में रैप हो करके हमें मिला है। इसकी कलर तो बहुत सुंदर है, ब्लू कलर की है ना, ये हमें पर्सनली बहुत पसंद आई है ये कलर। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है फ़ोन। तो फ़ोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके बैक में चार तरह के कैमरे दिए गए हैं, प्राइमरी है, अल्ट्रा वाइट, टेलीफोटो, साथ ही साथ माइक्रो लेंस भी देखने को मिलते हैं। वन प्लस का लोगो बीच में है, नीचे वन प्लस लिखा हुआ है। टाइप सी है और साइड में स्लाइड है, जिससे आप मोबाइल को साइलेंट, वाइब्रेट या नॉर्मल मोड में कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है। यहाँ फिंगरप्रिंट से फ़ोन को खोला जा सकता है। 90 हर्ट का डिस्प्ले है जो बहुत ही शानदार है। फेस अनलॉक सिस्टम भी है। यहाँ नीचे सिम लगाने की जगह दी हुई है और फ़ोन चार्जिंग पॉइंट है, और बगल में ही साथ में स्पीकर की भी जगह दी हुई है जो बहुत खूबसूरती से और इधर हम साइड में आते हैं तो यहाँ वॉल्यूम की बटन दी हुई है, जिससे वॉल्यूम तेज और कम आप कर सकते हैं। इस फ़ोन में इसमें ईयरफोन कनेक्ट करने की कोई भी जगह नहीं दी गई है, इसीलिए आप ब्लूटूथ वाले ईयरफोन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसमें आप फिंगर से आप इसे ओपन कर सकते हैं, और डिस्प्ले पूरी बहुत ही खूबसूरत है इसकी। यहाँ साइड से वॉल्यूम बटन आप दबाएंगे तो वहीं पे आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करने की जगह आपको दिख जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी ब्लूटूथ ईयरफोन कनेक्ट हो जाएगी। लगभग अभी के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें ब्लूटूथ वाले स्पीकर फ़ोन की ही सुविधा दी जा रही है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं ये फ़ोन बहुत ही अच्छी है और खूबसूरत भी बहुत है। और इसे कैमरा मैं यूज़ की हूँ, बहुत अच्छी पिक्चर आती है इससे। फ्रंट में भी दो कैमरे दिए गए हैं, एक नॉर्मल सेल्फ़ी कैमरा और एक अल्ट्रा वाइड सेल्फ़ी कैमरा, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं अपनी बात करूँ तो ये फ़ोन मुझे रियली बहुत पसंद आई है। अब आप यदि यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके, आपको ये फ़ोन कैसी लगी। कलर तो इसकी बहुत ही लुभावनी है, साथ में बहुत ही खूबसूरत सी इसकी कवर दी गई है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कवर है इसकी, है ना। इसकी जो केस है, इसके साइड में कोनों में लिप बने हुए हैं। इसे जब सरफेस पे हम रखते हैं तो इसकी स्किन जो है वो सरफेस पे टच नहीं करती है, जिससे स्किन में स्क्रैचेस नहीं पड़ सकते हैं। और कवर की प्रोटेक्शन बहुत बेहतरीन है, प्रोटेक्शन कोट दे रखा है, जिससे चार्जिंग पॉइंट में पानी वगैरह नहीं घुस सकते हैं या डस्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से ये चार्जिंग पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा गया है, और साइड बहुत अच्छी तरह से कवर्ड है। पूरी फ़ोन को साइड से कवर हो गई है ये बहुत अच्छी तरह। देखिए मैं रख के दिखाती हूँ, ये बिल्कुल भी स्किन को टच नहीं कर रही है सरफेस, तो ये एक बहुत अच्छी खासियत है इसकी कवर की। बहुत अच्छी प्लास्टिक से बनी हुई है, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें टेम्पर ग्लास लगी हुई ही आती है, क्योंकि अभी मार्केट में इसके टेम्पर ग्लास उपलब्ध नहीं है। तो यदि आप लेते हैं तो इसके ऊपर के टेम्पर को अभी मत निकालिएगा, जब मार्केट में अच्छी वाली टेम्पर ग्लास आ जाए तब आप इसे रिमूव कर सकते हैं। वैसे कंपनी इसे प्रोटेक्ट करके भेजी है। तो ये प्यारी सी खूबसूरत सी फ़ोन हमें तो बहुत पसंद आई है। आपको ये फ़ोन कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मैं सिम लगाने की प्रोसेस थोड़ा बता देती हूँ। ये सिम रिमूवर पिन है, ये साथ में ही आई है। इसे लेंगे और फ़ोन के निचले हिस्से में, बिल्कुल नीचे में,
यहाँ पे एक पॉइंट दी गई है जहाँ सिम लगाते हैं, वहाँ पे इस पिन को हम इंसर्ट करेंगे और हल्का सा पुश करेंगे तो जो सिम लगाने की ट्रे है हल्का सा पुश करने के साथ ही बाहर आ जाती है। इसे आप हल्का सा थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये आपके हाथ में आ जाएगी। इसमें दो सिम लगाने की जगह बनी हुई है, बस आप इसमें दोनों सिम लगा दीजिए। मैं तो दो सिम लगा रही हूँ। देखिए उसमें जिस तरह से कट बनी हुई है उस कट पे बैठा के आप सिम को लगा दीजिए। अच्छी तरह से सिम को सेट कर दीजिए इसमें, और ये जो सिम की ट्रे है उसे हम जहाँ से निकाले थे वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, ये आप खुद भी घर में कर सकते हैं। हो गई और ये फोन आपकी स्टार्ट हो गई। मैं इससे बहुत सारी पिक्चर भी लेके देखी हूँ, बहुत अच्छी पिक्चर आती है। तो बस यहीं तक थी हमारी आज की ये वीडियो। मिलती हूँ फिर नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। आप अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।